हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अच्छा, ये एक ऐसी टर्म है जो हर एक स्टूडेंट ने अपने कॉलेज लाइफ में प्रोग्रामिंग पढ़ने के दौरान ज़रूर सुनी हुई है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उप का मतलब क्या है। इसको एक रियल वर्ल्ड की एनालॉजी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, आप ये तो मानते हैं कि हर धर्म में एक कुछ पवित्र किताब होती है, जैसे कुरान है, बाइबल है, या गुरु ग्रंथ साहिब है, या रामायण है, गीता है। ये किताबें हमें कुछ ज्ञान देती हैं, एक्चुअल में जीवन जीने के सिद्धांत देती हैं। हर इंसान को जीवन जीने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे ये जो धर्म ग्रंथ हैं, ये हमको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, हमको एक तरह का ज्ञान देते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अच्छा, भले ही आप इन ग्रंथों को ना पढ़ते हों, मैं भी इतना कोई खास नहीं पढ़ता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो तमाम तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, अगर हम इन धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को पढ़ें तो इस बात को तो मानेंगे कि इनमें उनके सॉल्यूशंस छुपे हुए हैं। अब जैसे एक उदाहरण, गीता में लिखा हुआ है कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो बात तो सही है, माने या ना माने, अब आपका एग्ज़ाम है, आप टेंशन में हैं, पता नहीं मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, लेकिन हम रिज़ल्ट की चिंता पहले ही कर रहे हैं, हम पास हो पाएंगे, फेल हो पाएंगे। तो हम रिज़ल्ट की चिंता करते करते इतने परेशान हो जाते हैं कि हम पढ़ने का समय भी निकाल देते हैं। अगर हमने गीता के इस उपदेश को फॉलो किया जिसमें कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा काम कर्म करना, तो बात तो बहुत सही है। अगर हम इस बात को मान लें तो हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो हमारे जो हमने खून जलाया, हम इतना परेशान हुए, वो सब हम नहीं होते। चलिए, अब कम टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोग्रामर के जीवन में भी कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने में टीम कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए, टीम में काम कैसे बांटा जाए, फिर टीम में काम जो किया जाएगा उसको कोलैबोरेट कैसे करें, एक दूसरे से बिना वर्बल कम्युनिकेशन के कैसे एक ही प्रोजेक्ट पे सब लोग काम करेंगे, जो कोड हम बना रहे हैं उसमें कम से कम एरर्स आएं, कम से कम बग्स हों, हम उसको फ्यूचर में इजीली मेंटेन कर सकें, हमें बार बार एक ही तरह का कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी प्रॉब्लम्स एक प्रोग्रामर फेस करता है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो शायद हमने इन कठिनाइयों को उतना करीब से नहीं देखा समझा होगा जितना कि एक प्रोफेशनल जो कंपनी में कई सालों से काम कर रहा है उसने एक्सपीरियंस किया होगा। आपको भी एक्सपीरियंस होगा जब आप इतने कई सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी में देख लेंगे, कर लेंगे, तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो जाती हैं। पर अभी सिर्फ इमेजिन करिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये प्रॉब्लम्स तब कम होती थी जब छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बड़े बड़े डोमेन्स के लिए होने लगा तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाने की ज़रूरत आने लगी, और ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स जब बनाए जाते थे तो इसमें जो चैलेंजेस प्रोग्रामर्स ने फेस किए, वो पहली बार फेस किए, वो कभी भी छोटे प्रोग्राम्स में उन्हें देखने को नहीं मिले थे। तो कई रिसर्चर्स ने इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अपने सुझाव दिए, और उन सुझावों का नतीजा ये रहा कि एक नई थ्योरी, एक नई गाइडलाइन बनके तैयार हुई जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामर्स के लिए वो सिद्धांत हैं, वो गाइडलाइन हैं, वो उपदेश हैं कि अगर इन बातों को मान के आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम्स जा रही हैं बड़े प्रोजेक्ट को मेंटेन करने में,
वो कम हो जाएंगी या नहीं होंगी। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इनकी आवश्यकता को समझ पाएंगे कि इनके यूटिलिटी क्या है, तो हम इनका ज़रूर इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना चाहेंगे, क्योंकि इनका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है। इनके इस्तेमाल से हमारे कोड में एरर कम हो जाती हैं, एरर के चांसेस ही रिड्यूस हो जाते हैं। जो प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके बीच में कोलैबोरेशन बहुत बेहतरीन हो जाता है, और जो मेंटेनेंस करने वाली प्रक्रिया है वो भी बड़ी आसान हो जाती है। हमें कोड को रीयूज करना भी आसान हो जाता है, हमें बार बार एक ही तरह का कोड लिखने में समय खराब नहीं करना होता है, तो हम लोग बहुत ही प्रॉपर मैनेज तरीके से प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल साइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग अगर सी लैंग्वेज जानते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। सी लैंग्वेज के, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सी लैंग्वेज पहले पढ़ी होती है, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन बनाना है, आपने बनाया रनिंग नाम का एक फंक्शन। अभी उसको रियल वर्ल्ड से जोड़ के देखिए, ये रनिंग फंक्शन चलता है। रनिंग मतलब क्या होता है? दौड़ना। तो अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ही समझिए कि कोई दौड़ रहा है। तो ये रनिंग फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि कोई दौड़ रहा है। अच्छा, ये एक तरह की वर्ब है, क्रिया। अब वर्ब तो आप समझते हैं, दो चीज़ें आपने बड़े अच्छे से पढ़ी होंगी ग्रामर में, एक नाउन, एक वर्ब, संज्ञा और क्रिया। तो क्रिया है ये रनिंग। रनिंग से कुछ काम होने का, कुछ एक्शन का पता चलता है। ओके, अब ये अगर कोई फंक्शन है और इसको मैं कॉल करता हूँ सी स्टाइल में, जैसे कि लिखा हुआ है, तो इसको देखकर क्या पता चल रहा है? कि कोई दौड़ रहा है। पर क्या ये पता चल रहा है कि कौन दौड़ रहा है? नहीं, ये नहीं पता चल रहा। ये इसके कॉल को देखकर तो पता नहीं चल रहा, तो फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर इसकी पूरी कोडिंग दिखाई जाए, रनिंग फंक्शन की डेफिनेशन अगर दिखाई जाए, तो शायद मैं उसके कोड को पढ़ के बता सकता हूँ कि कौन दौड़ रहा है। यानी कि हमें जब तक इम्प्लीमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा, हमें पूरा कोड जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि दौड़ कौन रहा है। ये ड्रॉबैक था पुरानी स्टाइल का। सी स्टाइल जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसमें प्रोसीजर यानी एक्शन यानी वर्ब, क्रिया पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो रनिंग वो एक्शन है जो हमें परफॉर्म करना है, इस बारे में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया कि कौन रनिंग कर रहा है। इस बात को समझना इस लाइन को देखकर बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन रन कर रहा है। तो कौन रन कर रहा है वो होगा नाउन, और क्या कर रहा है? रन। तो रन हो गया एक क्रिया। तो नाउन और वर्ब दो चीजें हैं। हर फंक्शन एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा वर्ब। तो सी लैंग्वेज की स्टाइल में वर्ब का तो पता चल रहा है, नाउन का पता नहीं चल रहा। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी तो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे रमेश डॉट रनिंग। आप देख सकते हैं इस लाइन में और ऊपर वाली लाइन में क्या फर्क है। लिखने के स्टाइल से ये पता चल रहा है कि रनिंग कौन कर रहा है। इस बार हमें पता है रमेश इज रनिंग, तो नाउन का भी पता चल गया और एक्शन का भी पता चल गया। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल। यस, यहां पर रमेश नाउन है और इसी को मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ये रनिंग कर रहा है। तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिसिंग था। यहाँ पे डेटा को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। यहाँ डेटा का मतलब है रमेश, डेटा मतलब नाउन। तो हमें यहाँ डेटा भी पता चल रहा है और एक्शन भी पता चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टाइल ज़्यादा बेहतर है। तो इस स्टाइल पे काम करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। एनी एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज क्या है? एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। अब जब मैंने बोला दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है, तो हमें और कंफ्यूजन हो गया। तो देखिए, दुनिया में हर वो चीज जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, नाउन होना चाहिए। तो आप एक्शन यानी वर्ब और नाउन में डिफरेंस जानते हैं, तो आप केवल नाउन को कंसिडर करिएगा।
हाउ टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड थिंग्स इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के अंदर असल जिंदगी की चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। मान लीजिए मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें मुझे स्टूडेंट के बारे में जानकारियाँ रखनी है, तो मुझे एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढना होगा। असल जिंदगी में स्टूडेंट कैसा दिखता है, एक इंसान है ना, एक इंसान की तरह दिख रहा है स्टूडेंट, हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट क्या होता है उसको अगर हम इमेजिन करेंगे तो रियल वर्ल्ड में एक इंसान को इमेजिन करेंगे। लेकिन प्रोग्रामर की नज़रिए से स्टूडेंट प्रोग्राम में क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रोल नंबर नाम का, उसमें रोल नंबर रख लूँगा, नेम नाम का तो उसमें नाम रख लूँगा, एड्रेस नाम का, फ़ोन नंबर नाम का, ऐसे कई सारे वेरिएबल्स बनाऊँगा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रख लूँगा। ये सारे वेरिएबल्स मिलकर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स में हम किसी एक चीज़ को, नाउन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लेकिन आपने देखा नेम अलग वेरिएबल है, फ़ोन नंबर अलग वेरिएबल है, रोल नंबर अलग वेरिएबल है, तो ये सारे वेरिएबल्स मिलकर कलेक्टिवली एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो मैं क्या कहता हूं कि ये सारे वेरिएबल जो सब मिलकर एक चीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो इन सारे वेरिएबल्स को मिला लो, इनका एक ग्रुप बना लो। सी में स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या करते हैं, वेरिएबल की ग्रुपिंग करते हैं ना। वैसा ही सोचो कि मैंने सारे वेरिएबल्स को मिला लिया और एक कर लिया, तो ये जो एक कर लिया ना, तो एक बड़ा सा वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे वेरिएबल्स हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, यही ऑब्जेक्ट। तो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसा बड़ा सा वेरिएबल जिसके अंदर नेम भी हो, रोल नंबर भी हो, एज भी हो, फोन नंबर भी हो, एड्रेस भी, बहुत सारी चीज। तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक बड़ा वेरिएबल, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो है जो इन्फॉर्मेशन का सेट है, जिसकी कई इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को हम ऊप्स में प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या हैं जिनके बारे में हम जानकारी रखना चाहते हैं, जैसे उसका नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये क्या है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। अब मुझे कार के बारे में इन्फॉर्मेशन रखनी है, कार को रिप्रेजेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे कार की क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है ये मैटर करेगा। तो कार के मान लीजिए मुझे उसकी प्राइस रखनी है, उसका कार का मॉडल नंबर रखना है, कंपनी नेम रखना है, सीटिंग कैपेसिटी रखना है, फ्यूल टाइप रखना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए मुझे कई सारे वेरिएबल्स लगेंगे, और ये वेरिएबल्स का कलेक्शन एक ग्रुप है, वही ग्रुप एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हमारी नज़र में ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया अपने आप में एक कंप्लीट चीज जो वो सारी इंफॉर्मेशन रख सकती है जिसको मिलाकर वो डिस्क्राइब होता है, और वो सारे फंक्शंस भी हैं उसके पास जिससे वो अपने ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता है, फंक्शंस भी। तो ऑब्जेक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की देन है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, हाँ इसको भी समझ लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली आप बहुत सिंपल भाषा में समझिए, एक डेटा टाइप है जो हम बना रहे हैं, एक ऐसा डेटा टाइप जो हम बना रहे हैं। डेटा टाइप आपने समझे ना, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब डेटा टाइप होते हैं। तो आप जब लिखते हैं इंट एक्स, तो एक्स क्या होता है, एक्स एक वेरिएबल है, एक मेमोरी ब्लॉक है जो कुछ डेटा स्टोर करेगा। अब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट एस वन या स्टूडेंट रमेश, राइट। सो व्हाट इज स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप जस्ट लाइक इंट, पर इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ये जो स्टूडेंट है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एक्स क्या है, एक मेमोरी ब्लॉक का नाम। रमेश क्या है, ये भी एक मेमोरी ब्लॉक का नाम है। तो रमेश एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक का नाम है जिसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स होंगे, कई सारे। इसका मतलब एक स्टूडेंट की जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे रखनी है, उसको रखने के लिए जितने वेरिएबल्स की ज़रूरत है, वो सब इसके अंदर होंगे, इस तरीके से। तो स्टूडेंट एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, आप समझिए बिल्कुल सिंपल भाषा में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, जिसके पास
वो मेमोरी स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब्ड है जिसमें डेटा रखना है, मतलब ये वेरिएबल्स कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, किस टाइप के हैं, ये सारी बात क्या है, मेमोरी स्ट्रक्चर टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। और इन डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे फंक्शंस भी तो चाहिए, इनमें डेटा पहुंचेगा कैसे, इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो इसमें डेटा पहुंचाने का काम करेगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो इस डेटा को डिस्प्ले करने का काम करेगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो इस डेटा को मैनिपुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा, एक्सेस करेगा, जो भी काम करना है वो काम करने के लिए भी फंक्शन बनाऊंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो गया वेरिएबल्स प्लस फंक्शंस। वेरिएबल्स और फंक्शन ये मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की मदद से जब आप मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं तो वही ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं वेरिएबल्स एज वेल एज फंक्शन। तो अभी जब अपन ने देखा था रमेश डॉट रनिंग, तो एक्चुअल में रनिंग क्या है, एक फंक्शन है जो कि डिस्क्राइब्ड होगा। तो स्टूडेंट को डिस्क्राइब करने वाले सारे वेरिएबल्स और स्टूडेंट के वेरिएबल्स को एक्सेस करने वाले सारे फंक्शंस, इसका कलेक्शन एक स्टूडेंट है। तभी तो मैं लिख पाता हूं रमेश डॉट गेट इन्फो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए, या मैं लिख पाता हूं रमेश डॉट शो इन्फो, राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रमेश डॉट लगा के क्या क्या लिख पा रहा है, रमेश डॉट लगाकर अपने फंक्शंस को कॉल कर पा रहा है, वो फंक्शंस जो रमेश के हैं। अब ये सारे फंक्शंस कौन कॉल कर पा रहा है, रमेश डॉट लगा के। तो रमेश ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रमेश ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रमेश डॉट रनिंग, रमेश डॉट क्राइंग, रमेश डॉट लाफिंग, रमेश डॉट वॉकिंग। तो डेफिनेटली रमेश डॉट के बाद में जो जो फंक्शन लिख पा रहा हूँ वो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाते वक्त हमने बनाए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हमें बनाना पड़ता है, मतलब ये स्टूडेंट क्या है ये पहले हमें कोडिंग करके बनाना पड़ता है, ये बनाना ही तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाना कहलाता है। इसका मतलब है हमने कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस बना दिए हैं। अब जब इसका इस्तेमाल करके ये रमेश बनाया गया, तो रमेश किन फंक्शंस को कॉल कर पा रहा है, उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर पा रहा है जो हमने बना दिए हैं। रमेश के अंदर हम कितनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, उतनी ही जितने वेरिएबल्स हम बना चुके हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब आपको समझ में आया होगा, और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाली प्रोग्रामिंग। तो एक ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का वेरिएबल ही है, जैसे इंट का एक्स है वैसे स्टूडेंट का रमेश है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो 5 है, जिनको एक एक करके हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे समझेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो असली कॉन्सेप्ट तो अब हमको आगे सीखने हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। हमें ये भी समझ में आया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट है, उसके पास वो फंक्शंस भी हैं जिसके कारण उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, और मेमोरी स्ट्रक्चर भी है जिसमें कि वो खुद की इंफॉर्मेशन रखता है, तो अपने आप में वो कंप्लीट है। तो यदि आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वीडियो कुछ एक अलग परसेप्शन से समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह के और वीडियोस की जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसकी अपडेट मिलती रहे। आप mysurgery.com वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे अलग अलग चैनल्स के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पर भी पोस्ट करिए, अगर आपको लगता है कि दूसरों के भी बहुत काम का है, तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू।